सिमडेगा मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत तामड़ा में दो परिवारों के बीच में जमकर हुई झड़प। झड़प के बाद कुल्हाड़ी से सर पर मार कर किया गंभीर रूप से घायल। वहीं घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेजा गया, जहां पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बताया किसी निजी मामले को हुई है झड़प। कोलेबीरा थाना क्षेत्र के लरबा निवासी रविवार की शाम ट्रैक्टर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया था। वहीं इलाज के क्रम में 19 वर्षीय युवक दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। काफी देर और मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम हुई, तत्पश्चात परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है रविवार की शाम ट्रैक्टर से गिरकर उसके चक्का की चपेट में आने से दर्दनाक रूप से घायल हो गया था। वही जिला में उपायुक्त सिमडेगा श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल के निर्देश अनुसार छूटे हुए सभी शौचालय योग्य लाभुकों को बनवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। लोगों ने बताया है कि अब उपायुक्त के निर्देश पर कार्यस्थल पर सामग्री ट्रैक्टर के माध्यम से पहुंचकर जल्द से जल्द शौचालय बनाने हेतु प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है जोर। वहीं बानो प्रखंड के जराकेल जतरा मेला का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तोरपा विधानसभा के विधायक श्री कोचे मुंडा शामिल हुए। वहीं कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन करते हुए लोगों को झूमने पे मजबूर कर दिया। बताते चले जराकेल ऐतिहासिक मेला में हजारों की संख्या में उमड़े थे लोग और जमकर आनंद उठाया। सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कचहरी परिसर पर अधिवक्ताओं के बीच में CAA के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए बुकलेट एवं पंपलेट देकर जागरूकता फैलाया। उन्होंने कहा विपक्ष का काम है भ्रम फैलाना, भाजपा लाई है सही कानून। वहीं झारखंड पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक रांची कार्निवल हॉल में हुई, जहां पर चुनाव की हार समीक्षा एवं पार्टी को मजबूती के साथ फिर से धरातल पर लाने के लिए बनाई गई रणनीति। वहीं अध्यक्ष एनोसिक्का ने कहा हमने चुनाव हारे हैं मैदान नहीं। सिमडेगा जिला के बानो में RS के उन्मुखीकरण कार्यक्रम की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिस पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातों पर प्रकाश डालते संबंधित योजना के बारे में विस्तारपूर्वक समीक्षा किया। समीक्षा के दौरान में उन्होंने सभी कार्यों को जल्द से जल्द निष्पादन करने की बात कही। वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर बीरू पहाड़ी पर अष्टप्रहरी हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिस पर सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से कीर्तन मंडली भाग लेकर पूरा धार्मिक वातावरण में तब्दील कर दिया है। आपको बताते चले भैरव बाबा पहाड़ी पर्यटन ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पर 14 जनवरी के दिन हर वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। वहीं जिला जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में बानों के आसपास के क्षेत्रों पर चलाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित विस्तार पूर्वक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी जा रही है जानकारी। वहीं जिला में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके तहत जागरूकता रथ के माध्यम से LED वैन में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में कुलुकेरा सिमडेगा भेलवाड़ी सहित सभी साप्ताहिक बाजारों में जाकर LED से जागरूक किया। वहीं सरकार द्वारा महिलाओं को टेक होम राशन के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया है। वहीं सखी मंडल के दीदियों भी आंगनबाड़ी पर जाकर गर्भवती एवं धात्री माताओं को उन तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रही है, जो सराहनीय है। इसी के साथ सिमडेगा समाचार में आप सभी का धन्यवाद।